सूरत के कतारगाम के गोटालावाड़ी में स्थित पटेल फलिया के एचवी के डायमंड कारखाने से 3,52,00,000 के 2 हीरे चोरी हो गए। 2 कारीगरों पर शक है। आपको बता दें कि घटना की जांच गहराई पूर्वक कतारगाम पुलिस ने शुरू कर दी है। कारखाने के पुराने कारीगर राजू गोपाल लोहार और प्रकाश नवराज कुंवर को 1,296.38 कैरेट के 3,52,40,000 की कीमत के 2 हीरे दूसरी मंजिल पर स्थित बॉयलिंग विभाग में बॉयलिंग पर रखने के लिए दिए गए थे और उसी दौरान दोनों कारीगर हीरो की चोरी करके फरार हो गए। सुबह जब हीरो की ज़रूरत पड़ी तो दोनों गायब थे। चोरी की घटना सामने आने पर कारखाने में हड़कंप मच गया। घटना के बारे में कतारगाम पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी कारखाने में पहुंचे, पूरे कारखाने में निरीक्षण और मुआयना किया, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। सीसीटीवी कैमरे में दोनों कारीगर बाहर जाते हुए दिखाई दिए। उनके पास टिफिन था, उसी में हीरे छिपाकर ले गए होने का शक व्याप्त किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों कारीगरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरू कर दी है। मेरा नाम है आर्यस तिवारी नाम है। क्या काम करते हो, क्या हुआ आपकी कंपनी में? हमारा नाम है, यानी मैं यहाँ पे सिक्योरिटी में काम करता हूँ, सिक्योरिटी यानी एसओ के यानी पद पे हूँ। लेकिन जो हमारे कंपनी में यानी बात वार्ताक हुई, जो आदमी किया वो बोइल में काम करता था, लेकिन ऐसा काम करना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि कंपनी उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा विश्वास किया है। क्या किया वो कंपनी के साथ? वो कंपनी के साथ में बोइल काम करता था और माल लेकर के बताते हैं कि खराब हो गया। कितना माल था? अभी तो मुझे कंफर्म हम नहीं बता पाएंगे, वो कितने का था ये भी कंफर्म हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऐसा मुझे जानकारी हुआ। लेकिन जो कंपनी के साथ गलत काम किया, बहुत गलत काम है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी यानी हम लोगों का यानी भरण पोषण करती है, और कंपनी के साथ गलत काम करे, धोखा करे, ये बहुत निंदनीय काम है। हाँ, बनावे वो थे एचवी के डायमंड में छेल्ला 15 वर्ष थी काम करता राजू बेगाराम लोहार, जे नेपाळना वतनी छे, जे हीरा ना डायमंड कंपनी में छेल्ला 15 वर्ष थी हीरा साइनिंग वाटेनी प्रोसेस में काम करता था। એટલે પૂરા દિવસ આખા દિવસનું હીરાનું કામગીરી થાય અને એ હીરા સાંજના સમયે આ રાજુભાઈને આપતા હતા અને રાજુભાઈ રાતના એ પ્રોસેસ સાઇનિંગ પ્રોસેસ માટેની કાર્યવાહીમાં એ મૂકતા હતા। એ રૂટીન પ્રમાણે આ રીતે કાર્યવાહી દરરોજની ચાલતી હતી। એ રીતે ગઈકાલે વીકે ડાયમંડના મેનેજર દીપ મકવાણાએ 1200 કેરેટ જેટલા હીરા સાઇનિંગ પ્રોસેસ માટે રાજુભાઈ ગેગારામ લુહારને આપ્યા હતા, જે સાઇનિંગની પ્રોસેસમાં મૂકવાને બદલે જે પોતે પોતાના ટિફિનમાં મૂકીને અને સાઇનિંગ મૂકીને પછી એથી લઈને રવાના થઈ ગયેલ છે। એ મતલબની અત્રે પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ થતાં એ સંબંધની કાર્યવાહી હાલમાં ચાલુ છે। હીરા લગભગ 3.5 કરોડની આસપાસ અંદાજે કિંમત છે। હાલમાં અમે ફરિયાદ દાખલ કરવાની કાર્યવાહી કરીએ છીએ। ફરિયાદ દાખલ થઈ ગયા પછી એ ક્યાં ક્યાં જઈ શકે એના ક્યાં એ સંબંધેની આગળની તપાસ અમે કરીશું। હાલમાં કેવું લાગે છે, આરોપી છે બહારના રાજ્યમાં છે, તો એના જે એડ્રેસ ફોટોગ્રાફ સાથે જે જે કંપનીના માલિકે રાખવા જોઈએ મળ્યા હતા ખરા? જે નહીં, હાલમાં તો કાર્યવાહી ચાલુ છે, એની એમની પાસે હશે તો અમે મેળવી લઈશું, પણ હાલ સુધી અમારી ફરિયાદની પ્રોસેસ ચાલુ છે। રિપોર્ટ બાય પરવીન પઠાણ, સમાચાર ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત।